तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और दोस्तों, आज का ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस व्लॉग के अंदर में हम पूरा टूर देने वाले हैं आपको मेले से पहले मेले का। जी हाँ, ये है दधिकांदो मेला, जो कि 2024 का काफ़ी कम समय के अंदर में इसको लगाया गया है। और क्या क्या चीज़ें आपको इस मेले के अंदर में देखने को मिलेगी, तो पूरी चीज़ें दिखाते हैं आपको इस व्लॉग के अंदर में, कि कौन कौन से झूले इस बार आपको दधिकांदो मेला के अंदर में देखने को मिलने वाले और किस टाइप का ये मेला रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बगैर देर किए। तो दोस्तों, जिस इसका आप सभी को इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और मेला 1 सितंबर 2024 यानी कि अपने प्रयागराज में दधिकांदो मेला लग रहा है। जी हाँ, ये डेट है हमारे मुंडेरा से लेकर के चौफटका तक वाले मेले की। बाकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झूले आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि एरिया पड़ता है आपका नेहरू पार्क के पास में। उसके बाद में हम अपनी बाइक उठा करके निकल गए देखने के लिए कि मेला कहाँ से कहाँ तक कैसा लगा हुआ है। तो फिर उसके बाद मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे आने के बाद में हमको पता चला कि कन्हैपुर मोड़ के पास में कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे झूले लगे हुए हैं। फिर उसके बाद में हमने इसको धीरे धीरे आगे क्रॉस किया, तो हमें आगे मेले का रुख और देखने को मिला। तो दोस्तों, मेले से पहले मेले की प्री प्रिपरेशन को हम रिकॉर्ड करने निकल चुके थे और पूरा का पूरा टूर लेने निकल चुके थे कि मेले में आखिर इस बार आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो फटाफट से हम अपनी गाड़ी दौड़ा ही रहे थे और यहाँ से हमने जैसे बाकी दोस्तों दूमनगंज क्रॉस करने के बाद में हमें आगे जाकर के पता चला कि इस बार के मेले का सबसे बड़ा जो झूला है वो लगा हुआ है आपका हनुमान वाटिका के अंदर में, जो कि हर बारी लगता है और इसे आप लोग जाइंट व्हील के नाम से भी जानते हो और हम लोग इलाहाबादी बड़का झूला के नाम से जानते हैं। तो हनुमान वाटिका के अंदर में आपको 3 झूले देखने को मिल जाएंगे। एक होता है आपका डिस्को वाला कार वाला, दूसरा होता है आपका बड़का वाला झूला, तीसरा मिलेगा आपको नाव वाला झूला। ये 3 झूले अक्सर देखने को मिलते हैं। तो हाँ, जो भी बड़े बड़े झूलों का आनंद लेना चाहते हो तो वो एक बार हनुमान वाटिका के अंदर में ज़रूर जाना, वहाँ पे आपको ये 3 झूले मिलेंगे और ये काफ़ी साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। ये बाकी पूरे मेले के अंदर में जितने झूले लगते हैं उनसे ये साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है। ये रहा कुछ ऐसा। बाकी इसके बाद में हम आगे निकल गए और लाइटिंग्स वगैरह रिकॉर्ड करने लगे और पेट्रोल पम्प के पास में हमको पहुँच कर देखने को मिली कुछ इस प्रकार की लाइटिंग्स वगैरह लग रही हैं पूरे मेले के अंदर में। तो आप दिखाते हैं आपको मेले के अंदर में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं या नहीं। पीछे में देख सकते हो, जस्ट आपको देखने को मिलेगा जाइंट व्हील नाव वाला झूला। इसे जाइंट व्हील हालांकि हम बाहर की देशों में बोलते हैं, बाकी हमारे यहाँ इलाहाबाद में प्रयागराज में देसी भाषा में इसको बोला जाता है बड़का वाला झूला। तो ये है अपना बड़का वाला झूला। दूसरा हो गया नाव वाला, जिसमें सबकी फटती है। भाई आप लोग भी आकर के एक बार ट्राई करना, तो आपको भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा। बाकी ये पता नहीं क्या है, ये चीज़ तो सेम डे हमें पता चलेगी। और बाकी ऐसा कुछ है, ये अभी ये लगता है आपका नेहरू पार्क के पास में। तो हाँ, ये चीज़ है। बाकी बीच में आपको ब्रेक डांस भी देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें ऐसा है, बाकी ये लगता है आपका नेहरू पार्क के पास में। तो ये आप जब नेहरू पार्क के पास में आओगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, आज मेला था भी नहीं, फिर भी काफ़ी ज़्यादा जाम लग रहा था, तो हम फटाफट से अपनी गाड़ी उठा करके आ गए धर्मवीर मूर्ति पे रिकॉर्ड करने के लिए। और यहाँ पे हमें देखने को मिला एक और जाइंट व्हील, और ये जाइंट व्हील भी बाकी जाइंट व्हील्स के बराबर ही रहता है, लेकिन हनुमान वाटिका वाले जाइंट व्हील से थोड़ा सा छोटा रहता है। तो बस इसको रिकॉर्ड करने के बाद हम आ गए अपने घर पे। फाइनली दोस्तों, पूरा मेला कवर करने के बाद में हम आ चुके हैं अपने घर पे। और मेला में मैं बता देता हूँ मेन पॉइंट्स आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप धर्मवीर मूर्ति से स्टार्ट होगा, जहाँ पे आपको बड़े झूले देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में आपको बड़े झूले मिलेंगे हनुमान वाटिका के पास में। हालांकि लाइटिंग बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, जिसके वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता, इसलिए हमने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया। लेकिन हम आपको लोकेशंस बता देता हूँ कि आपको मिलेगा हनुमान वाटिका के पास में बड़े बड़े झूले, और सबसे बड़ा जाइंट व्हील लगता है हनुमान वाटिका के जस्ट अंदर। तो वहाँ पे आप जरूर जाना, उस चीज़ का लुत्फ उठाना। फिर उसके बाद में आप चले जाओ नेहरू पार्क के पास में, वहाँ पे आपको झूले ढेर सारे मिल जाएंगे। और इस बार कुछ झूले नए भी हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बस यही चीज़ थी इस पूरे पूरे मेले के टूर के अंदर में। और 1 तारीख को ये लगने वाला है, 1 सितंबर, जो कि इसकी लोकेशन है भगवतपुर से स्टार्ट होकर के आपका ये पड़ता है चौपटकाले पुल तक। तो हाँ, ये इतना बड़ा लेंथ है इसका। बीच बीच में जो गवर्नमेंट एरियाज है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, जिसके चलते वहाँ पे मेला नहीं मिलेगा। बाकी आपको भगवतपुर से स्टार्ट होकर के ये पूरा आपको मिलेगा, क्या बोलते हैं, चौपटका पुल तक। तो हाँ, ये चीज़ मेले के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। इसके साथ मिलते हैं आप सभी से एक नए ब्लॉग में। चलिए मिलते हैं आप सभी से एक धमाकेदार और मेले वाले दिन।